नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों के साथ। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, तो वहीं इस पर कांग्रेस आपत्ति जाहिर कर रही है। दरअसल कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि वैक्सीन मिलना गर्व की बात है, लेकिन आम आदमी में इसको लेकर संशय बरकरार है। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह सबसे पहले वैक्सीन का टीका लगवाएं और जनता को विश्वास दिलाने का काम करें। वहीं उन्होंने कहा कि ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी, लेकिन भाजपा अपने नाम पर थाली पिटवा रही है। ये कंपनी कांग्रेस की देन है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस वैक्सीन से काफी उत्साहित हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस है कि वो इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि वैक्सीन मिलना गर्व की बात है, लेकिन आम आदमी में इसको लेकर संशय बरकरार है। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह सबसे पहले वैक्सीन का टीका लगवाएं और जनता को विश्वास दिलाने का काम करें। तो कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगवाएं और जनता को विश्वास दिलाएं। एक तरफ कोरोना वैक्सीन मिलने से पूरा देश खुश है, तो वहीं इस पर राजनीति भी हो रही है। नववर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना का वैक्सीन आने की गर्व की बात है। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का। इन दिनों भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो इस्माइलपुर के सुद्दन टोला स्थित मध्य विद्यालय परिसर का है, जहाँ अपनी जीत पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई विवादित बातें कही है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि नाथनगर की सीट आलाकमान की गलत के कारण हार गए, जबकि भागलपुर में भाजपा के रोहित पांडे इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वो दबंग नहीं है। तो जदयू विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कर दिखाया अगर सीट लूट किया है नाथनगर का आला कमान के गलती के कारण, अगर सीट लूट किया है भागलपुर का वो पांडे रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार ने किया उसका प्रचार है। बाकी पीरपैते में ललन पासवान का मैंने प्रचार किया, कालगांव में पवन यादव का प्रचार किया और सुल्तानगंज में मैंने ललित प्रोफेसर का प्रचार किया और यहाँ पर तो शैलेंद्र का प्रचार किया। हम तो अपने प्रचारक थे और हार गया भागलपुर। भागलपुर तो भाजपा का खरीदा हुआ सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री तक जीतिए गया। कटोरिया से भाजपा विधायक नेत्री निकम्मी निक्की हेब्रम की गाड़ी देर रात कल्याणपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद बुरी तरह से जख्मी विधायिका को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने विधायिका के दाहिने पैर में फ्रैक्चर होने की बात कही है। घटना के बाबत विधायक निक्की हेब्रम ने बताया कि वो अपने गाड़ी से पटना में कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान कल्याणपुर के समीप सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक से बचने के दौरान उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कल पटना में हम लोगों का चौराहे का एक मिलन समारोह होता है,
उसी का कार्यक्रम में कल मॉर्निंग में गए, उसी क्रम में बनियारपुर से क्रॉस किए तो कल्याणपुर में ही एक ट्रक वाला सामने से आ रहा था। वो जस्ट अगर वो नहीं कट करता शायद ट्रक वाला, वो तो रात में नहीं पता चला, रात में नहीं, वो तो ऐसे करके कट करके सीधे उसी समय निकल गए और ये जा करके पेड़ में डैश कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में तकरीबन कई महीनों के अलंबे अंतराल के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों के लिए विद्यालय खुल गए हैं। वहीं इस दौरान सभी निजी और सार्वजनिक विद्यालयों को कोविड 19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा। इसी कड़ी में सुबह में करीब 8:30 बजे सेंट जोसेफ स्कूल में बच्चों का आना शुरू हो चुका था। मुख्य द्वार पर ही सभी आने वालों का थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा था। इसके साथ ही सभी को सैनिटाइज भी किया गया है। यही नहीं, इस दौरान बिना मास्क वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर अमलराज ने बताया कि विद्यालय में संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कोविड 19 को लेकर कई महीनों से सभी स्कूल बंद थे, लेकिन अब बिहार में स्कूलों को खोल दिया गया है और साथ साथ कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है। सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर दोनों की परचेजिंग है से कि हो गई है, सैनिटाइज है से कि कल कई एक विद्यालयों ने किया है और हमको लगता है कि वो सारे स्कूलों में सैनिटाइज है से कि हो चुकी है। स्कूल की जो ग्रांट है, स्कूल ग्रांट और छात्र कोष, उससे सैनिटाइजर और सैनिटाइज मशीन वगैरह परचेज करनी है। मास्क के लिए जीविका दीदी के द्वारा बनाई गई मास्क जीविका कार्यालय के जीविका प्रबंधक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी और कल तक हम लोगों ने मास्क को विद्यालयों में उपलब्ध करा दिया है। प्रति छात्र 2 मास्क और जीविका दीदी के द्वारा ऐसे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराई गई है जो मैंने विद्यालयों। भागलपुर की नई एसएसपी नितिशा गुड़िया ने आज पदभार ग्रहण किया। सबसे पहले वो एसएसपी कार्यालय पहुंची जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार ग्रहण करते ही एसएसपी ने जाम की समस्या और साइबर अपराध पर नियंत्रण करना प्राथमिकता बताया। फिलहाल उन्होंने कहा कि यहां की हर चीज को समझना होगा, जायजा लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि नितिशा गुड़िया मूल रूप से दिल्ली की निवासी है। नितिशा गुड़िया लेडी सिंघम के रूप में जानी जाती है। तो नितिशा गुड़िया ने एसएसपी का कार्यभार संभाला है और नितिशा गुड़िया के बारे में आपको हम बता दें कि ये लेडी सिंघम के रूप में जानी जाती हैं और दिल्ली की ये निवासी हैं। बाकी जो आप लोगों की प्राथमिकताएं होंगी, भाई हम लोग की प्राथमिकताएं होंगी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से तो है। मंगलमुखी सदा सुखी को चरितार्थ करते हुए भागलपुर के नए डीएम सुब्रत सेन ने पदभार संभाला। निवर्तमान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने नए डीएम सुब्रत सेन को अपना पदभार दिया। नए जिलाधिकारी के पदभार ग्रहण के वक्त जिले के सभी डिप्टी कलेक्टर और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। डीएम कार्यालय पहुंचने पर जिला पुलिस के जवानों ने नए डीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बता दें कि भागलपुर के निवर्तमान डीएम प्रणव कुमार का तबादला मुजफ्फरपुर हो चुका है। इसके बाद डीएम सुब्रत सेन ने पदभार संभाला है। प्रणव कुमार के तबादले के बाद डीएम सुब्रत सेन ने पदभार संभाला है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नवगछिया शहर के बाजार का भ्रमण किया और जाम की स्थिति का जायजा लिया। व्यवस्थाओं से अवगत होने के बाद एसपी ने कहा कि शहर में 1 जनवरी से नो एंट्री का नया नियम लागू किया गया है जो कारगर लग रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा तीनों प्रवेशों स्थानों नवगछिया स्टेशन, नवगछिया गौशाला, मक्खातकिया पर सख्त व्यवस्था की जाएगी। इन तीनों जगहों पर पूरी तरह से एक भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में लगने वाले जाम की समस्या का निदान आम लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जाम न लगे इसके लिए आम लोगों के साथ मिलकर भी काम करेंगे। इस दौरान कई पदाधिकारी समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो एसपी ने शहर में अधिकारियों के साथ और भी लोगों के साथ निकलकर निरीक्षण किया, वहां का जायजा लिया और जाम की
समस्याओं को लेकर एसपी ने कहा कि लोगों के सहयोग के बिना यहां की जो स्थिति है वो सुधर नहीं सकती है। देखिए ये कुछ लोग ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कि एक नवशहर में ट्रैफिक समस्या रहती है, तो मेरा ये मानना है कि ये पब्लिक की समस्या है, तो हम पब्लिक के सहयोग से इसका हल करेंगे। और हमारे ज्वाइनिंग के पहले ये तीन जगह पर ये ड्रॉप गेट लगाया गया, ड्रॉप किया गया था स्टॉपेज, इसके आगे कोई भी गाड़ियां नहीं जाएगी। और जो देखने आए थे, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भपात कराए जाने पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। अलग अलग धाराओं में 10-10 साल की कठोर सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट में एडीजे 5 ने यह सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में अपने ही पड़ोस की नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया और उसके गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात करा दिया और लड़का शादी से मुकर गया, जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने 19 दिसंबर 2019 को उसे दोषी करार दिया है। इसके बाद सजा का ऐलान कर दिया गया है। थाना अंतर्गत से एक मामला दर्ज हुआ था सहोर थाना में, नाबालिग के साथ शादी का लालच दे करके उसके साथ यौन शोषण किया था। उसमें एक्यूज एक थे मोहम्मद गफ्फा, जिसे 19/12/20 को दोषी पाया गया था। आज सजा के बिंदु पर थी और उसने नाबालिग के साथ शोषण भी किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। कोढ़ा थाना क्षेत्र के गोलगम्बा में गांव में नाबालिग के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित लड़की ने बताया कि एक युवक ने बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर कोलकाता लेकर गया और कई दिनों तक शोषण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। वही पीड़िता और पीड़िता की मां ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वही डीएसपी अमरकांत झा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोड़ा थाना क्षेत्र के गोलगाम्बा गांव में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने बताया कि एक युवक ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे कोलकाता लेकर गया और कई दिनों तक शोषण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता और पीड़िता की मां ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। भाग गई थी, रियली वो भाग गया था एक लड़का के साथ, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें उस लड़का जो था प्लस उसके पिता किया गया था, ये सब हम लोग सुपरविजन भी हुआ था और उसमें हम लोग लड़का और उसके पिता को गिरफ्तारी का आदेश दिए थे, जिसके तहत उसके पिता जो है वो माननीय न्यायालय से जमानत पर है और लड़की काफ़ी पुलिस के दबाव के बाद लड़की को बरामद किया गया, जिसका बयान वगैरह कराया गया है और लड़की नाबालिग है और लड़का अभी तक फरार है, तो हम लोग उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। बच्ची पढ़ना चाहती है अब पुलिस के पास? नहीं, पर उसके लिए पुलिस को कुछ नहीं है, पुलिस पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी। हम लोग को तो जो भागा है उसके साथ जो गलत काम किया हम लोग उसको जेल भेजेंगे। हुआ था यही कि मेरा बेटी का फुसला पटिया का लेकर चले गया था, पड़ोसी का लड़का था उसका बाबिल अंसारी, यहाँ से ले गया, बोला शादी ब्याह करेंगे, इसके कारण ले चले गया। वहाँ से अभी पुलिस का दबाव पर जो है लड़की 5 महीना रही कि वहाँ पे साथ में 5-6 महीना रही, 5 महीना पर आया यहाँ पे पुलिस का दबाव में। अभी लड़की जो था थाना में धर दिया, थाना से तो लड़की हम ले कर आए और उसके बाद जो है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हमको चाहिए इंसाफ और कुछ नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।